वीडियो नंबर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पाठ हम लोग इस समय 7 पढ़ रहे हैं और इसका यह वीडियो नंबर 6 है वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। देखिए कह सकते हैं वर्ग 17 के सभी तत्व अधातु होते हैं। फ्लोरीन जिसको आप यब से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टीन ये सब वर्ग 17 के सदस्य हैं। ये संयुक्त रूप से हाइलोजन तत्व कहलाते हैं। यानी जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं उसे हम लोग हाइलोजन तत्व कहते हैं। उपलब्धता की बात करें तो कह सकते हैं फ्लोरीन तथा क्लोरीन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जबकि ब्रोमीन तथा आयोडीन कम मात्रा में मिलते हैं। अधिकांश जो फ्लोरीन होते हैं कैल्शियम के अघुलनशील फ्लोराइडों में पाई जाती है। कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोस्पोर जिसको US या क्रामोलाइट और फ्लोरोएपेटाइट समुद्र के पानी में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड पाए जाते हैं। समुद्र के रेत में ये यौगिक मुक्त क्लोराइड पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट इसके प्रमुख उदाहरण है। समुद्री जीवन के तंत्रों में कुछ रूप में सांद्र आयोडीन भी पाया जाता है। उसके बाद से इसके कुछ पीरियडिक टेबल के द्वारा हम लोग देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। पहले तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक लास्ट होता है जिसका नाम होता है एस्टेटीन। यह एस्टेटीन है फिर कल बाहर आई एंटी जी आप याद रखेंगे। परमाणु क्रमांक बता सकते हैं फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और जो एस्टेटीन है इसका 85। परमाणु द्रव्यमान की बात होगी फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.45, ब्रोमीन का 79.90, आयोडीन के 126.90 और एस्टेटीन के 210। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो फ्लोरीन के 9 होता है तो हीलियम लिख देंगे तभी आपके पास 7 बचेगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखिएगा N(S)2 यानी इसका अंतिम जो होता है N(S)2 और N(P)5 आपका होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखते दे सकते हैं हीलियम है 2s2 2p5 नियान है 3s2 3p5 आर्गन है 3d10 यहाँ से डी ब्लॉक चालू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो एक आता है सहसंयोजक त्रिज्या। देखिए फ्लोरीन का 64, क्लोरीन का 99, ब्रोमीन के 114, आयोडीन के 133। आयनी त्रिज्या की बात करते हैं फ्लोरीन के 133 और क्लोरीन के 184, ब्रोमीन के 196, आयोडीन के 210 होता है 220 होता है सॉरी। और इलेक्ट्रॉनिक आयन एंथैल्पी की बात करते हैं 1680 फ्लोरीन का, 1256 क्लोरीन का, 1182 ब्रोमीन का और 1008 आयोडीन का होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि की बात करेंगे -333 फ्लोरीन का, -349 क्लोरीन का, -325 ब्रोमीन का, -296 आयोडीन का होता है। विद्युत यत्मकता की बात करेंगे फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3.2, ब्रोमीन का 3.0 और आयोडीन का 2.7 और चेस्टीन का 2.2 होता है। गलनांक 54.4, क्लोरीन का 172, ब्रोमीन का 265 और आयोडीन का 386.6 होता है। क्वथनांक की बात करेंगे फ्लोरीन का 84.9 और इस तरीके से पूरा ये आपका टेबल दिया गया है और इस टेबल से आप बता सकते हैं। देखिए ये वर्ग 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग देख लेते हैं तो वर्ग 17 के सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग N(S)2 यहाँ पर 2 रहेगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है और N(P)5 होते हैं जो कि इससे अगली उत्कृष्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर यहाँ पर 6 हो जाएगा कंप्लीट पूरा हो जाता है। परमाणु तथा आयनी त्रिज्या की बात करेंगे अधिकांश प्रभावी नाभिकीय आपको याद होगा जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और आयनी त्रिज्या भी बढ़ता है। ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तब आपकी आती है कुछ और इसके गुण में उपलब्धता की बात आपकी आएगी या आयनन एंथैल्पी की बात आएगी तो आप इसको बता सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है इसलिए इनकी बहुत ऊँच आयन एंथैल्पी होती है। देखिए कोई भी तत्व अगर अधातु है तो इसको इलेक्ट्रॉन
त्यागने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। और अनएंथैल्पी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। जब ये बाहर नहीं निकाल पाता है तो इसलिए इसका अनएंथैल्पी सबसे अधिक होता है। और परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ इसका अनएंथैल्पी का मान कम होता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी संगत आवर्तों में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होती है। वर्ग में नीचे पर जाने पर इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती चली जाती है, ये बता सकते हैं। उसके बाद से आप चाहें तो विद्युतीयात्मकता के भी बारे में बता सकते हैं। इनकी विद्युतीयात्मकता बहुत अधिक होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर विद्युतीयात्मकता में कमी होने जाती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युतीयात्मकता तत्व फ्लोरीन ही होता है, ये बता सकते हैं। भौतिक गुण के बारे में भी आप कुछ बातों को बता सकते हैं। जैसे क्लोरीन तथा फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडीन एक ठोस है। ये द्वि परमाणु कण क्वथनांक तथा गलनांक में वर्ग में नीचे जाते समय वृद्धि होती है। फ्लोरीन का वियोजन एंथैल्पी मान क्लोरीन से कम होता है। रासायनिक गुण भी बता सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति सभी हाइड्रोजन वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव तथा प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती है। जैसे हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं मूल अवस्था में आपके दो दो चार दो छः एक साथ होता है, लेकिन अगर उत्तेजित अवस्था करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो डबलिंग होता है यहाँ पर चला आता है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे तो ये डबलिंग अवस्था जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाता है। तृतीय उत्तेजित अवस्था को हम लोग कहेंगे तो ये देखिए देखिए जब ये मूल अवस्था में होता है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मात्र एक होता है और युग्मित आपके तीन होते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में तीन अयुग्मित चार पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरीके से सात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते चले जाते हैं, ये बता देंगे आप। तो इस तरीके से जो भी आपसे पूछा जाता है इसको हम लोग इस तरीके से इसका डिफिनेशन वगैरह जो होता है बता सकते हैं। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट जो बात आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में कुछ और जानकारी रखेंगे। फ्लोरीन का सामान्य व्यवहार देखिए, आप जब नाइट्रोजन तत्व के बारे में पढ़ रहे थे वर्ग 15 के बारे में, तो उसमें आपने नाइट्रोजन को असमान गुणों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद से वर्ग 16 में पढ़े थे तो ऑक्सीजन के असमान गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब वर्ग जब 17 पढ़ रहे हैं तो फ्लोरीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला आप कह सकते हैं कि आबंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है सबसे, और दूसरा बता सकते हैं उच्च विद्युतीयात्मकता तथा उच्च अनएंथैल्पी होता है फ्लोरीन का। तीसरा द्विकक्षक इसमें अनुपस्थिति होता है। चौथा बहुत ही छोटा आकार होता है और बहुत ज़्यादा ऋणायन भी होता है। अब देखिए वर्ग 17 के तत्व कुछ और गुण हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, मैं आपको बता दूं सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन हाइलाइट का निर्माण करते हैं, परंतु फ्लोरीन के आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में कमी आती है। इन अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य निम्न क्रम में है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। आगे कह सकते हैं कि इन हाइड्रोजन का स्थित वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटता है, अतः आबंध वियोजन एंथैल्पी में कमी आती रहती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके बना रहा है यौगिक। हाइड्रोजन छोटा होता है इसीलिए इसको पहले लिखते हैं हम लोग। सबसे अस्थाई जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। कुछ और बातें बताते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके बहुत से ऑक्साइड का निर्माण करता है, परंतु इनमें से अधिकांश अस्थायी नहीं होते हैं। फ्लोरीन दो ऑक्साइड यानी OF2 तथा O2F2 बनाती है, परंतु केवल OF2 ही 298 केल्विन ताप पर अस्थायी होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, मैग्नीशियम है ब्रोमीन से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। हैलाइड के आयनी गुण निम्न क्रम में व्यवस्थित होते हैं। या फ्लोरीन का सबसे अधिक आयनी गुण होता है, उसके बाद से मैग्नीशियम क्लोराइड इससे कम घटता चला जाता है। यह एक संयोजी धातु है। उसके बाद से देखिए एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता या अन्य हाइड्रोजन। आप इसमें ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन अन्य हाइड्रोजन के साथ संयोग करके बहुत से यौगिक का निर्माण करता है, जैसे
अंतरा हाइलोजन कहते हैं। ये याद रखेंगे आप, हाइलोजन अन्य हाइलोजनों के साथ संयोग करके बहुत से यौगिक का निर्माण करता है जिसे अंतरा हाइलोजन कहते हैं, जिनके प्रकार है एक्स 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 थ्री एक्स एक्स फाइव एक्स सिक्स, जहाँ एक्स बड़े आकार का हाइलोजन और ये जो एक्स है वो छोटे आकार का हाइलोजन होता है। यानी बड़ा जो होगा पहले लिखेंगे, छोटा जो होता है बाद में लिखा जाता है। क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, क्लोरीन जो होता है देखिए लिखा गया सी एल टू, बनाने की विधि के बारे में जिक्र करते हैं। पहला, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके, यह मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जब इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और जल का निर्माण हो जाता है। दूसरा बता सकते हैं, क्लोरीन का स्थान पर नमक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण का उपयोग करके हम लोग भी बना सकते हैं। ये कुछ गुण होते हैं हाइड्रोजन तत्व के जिसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आता है, पोटेशियम परमैंगनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन के उत्पादन का डेकान विधि, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि डेकान विधि से क्लोरीन कैसे बनाएंगे, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं उसके बाद ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन और जल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से वैद्युत अपघटन प्रक्रम द्वारा जब NaCl को सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें क्लोरीन प्राप्त होता है, NaCl है, आप क्रिया कराएंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा, फिर आपका जो Cl- है आप देखेंगे यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2Cl2 आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2E पर माइनस प्राप्त हो जाता है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए आप इसका गुणधर्म देखते हैं जो क्लोरीन होता है। पहला आप इसमें दिखा सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है ये तीक्ष्ण गंध वाला दमघोटू हरित पीली गैस है। दूसरा, इसका भार वायु से 2.5 गुना अधिक होता है, यानी भारी होता है वायु से क्लोरीन। तीसरा कह सकते हैं, हरित पीले द्रव के रूप में आसानी से द्रवित की जा सकती है। चौथा, यह जल में विलय होता है। पाँचवा, बहुत किससे धातुओं का धातुओं के साथ भी क्रिया करके करता है, फास्फोरस है क्लोरीन से क्रिया करेगा, फास्फोरस डाइक्लोराइड बनाया। सल्फर है और क्लोरीन से क्रिया करेगा, H2Cl2 बनाएगा, ये लोहा आयरन है क्लोरीन से क्रिया करेगा या फिर Cl3 बनाएगा। एल्युमिनियम है क्लोरीन से क्रिया करेगा, AlCl3 बनाएगा। सोडियम है क्लोरीन से क्रिया करेगा तो NaCl का निर्माण कर देता है। ये सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखिए इनके हाइड्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन है क्लोरीन से क्रिया किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोजन छोटा होता है पहले, सल्फ्यूरिक अम्ल से किया था हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन से ये एथेन से भी क्रिया करेगा तो ये भी आपका बन जाता है। तो इस तरीके से कुछ बातें होते हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से देखिए क्लोरीन का कुछ उपयोग है। पहला आप कह सकते हैं कि कास्ट लुगदी कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में सोने, दूसरा सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा कह सकते हैं हम लोग कि रंजकों औषधीय तथा कार्बनिक पदार्थों को बनाने में। चौथा, पीने के जल को बनाने में। पांचवा और छवा जो होता है, पांचवा बता सकते हैं, ये विषैले गैस को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को बता देंगे और इस चीज़ को आप आराम से बता सकते हैं। जो आगे की पढ़ाई होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।